हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई एम श्रीकांत कलिंदर। फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू यूजीसी नेट जून 2013 पेपर 3 एंड दिस इज पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सा फैक्टर ग्लोबल वार्मिंग को कॉज नहीं करता है। टेक योर टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नैनो टेक्नोलॉजी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइज इन द अर्थ टेम्परेचर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो तीन फैक्टर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं, बट नैनो टेक्नोलॉजी ग्लोबल वार्मिंग को कॉजेस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 52। द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज 2005। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 was brought into force by Indian government from 26 October 2006. It protects women from physical abuse, sexual abuse, verbal or emotional abuse, economic abuse. Information to Protection Officer and Exclusion of Liability of Informant. ये जो एक्ट है वह महिलाओं को फिजिकल अब्यूज से प्रोटेक्ट करता है, सेक्सुअल अब्यूज से, वर्बल, अगर कोई घर में महिलाओं को गालियां देता है तो तभी भी यह एक्ट उसके ऊपर लागू हो जाता है, या इकोनॉमिक अब्यूज यानी कि पैसे की डिमांड कोई अगर महिलाओं से करता है तो उस टाइम पे भी यह एक्ट लागू हो जाता है। इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर, अगर कोई इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर आपके आसपास में कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और कोई आपका नेबर्स हो या कोई भी अननोन पर्सन भी हो, अगर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को देता है तो वह उसके लिए लायबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अमंग वेरियस कंट्रीज। Take your time. The correct answer is option B, Mahbub-ul-Haq. Question number 54. The General Agreement on Trade in Services suggest. Take your time. Correct answer is option A, Cross-Border Trade in Education. Question number 55. Who is the author of the book Tribal Movement in India? Take your time. Correct answer is K.S. Singh. Who among the following is not a scheduled tribe of India? Take your time. Correct answer is Gujars. Bhils, Santals and Ho are the scheduled tribes of India, but Gujars is not included in scheduled tribe. Question number 57. Which of the following is not correct with regard to peasants? Take your time. The correct answer is option B. The peasants in India are predominantly represented by the middle strata of caste hierarchy. इंडिया के जो कास्ट हायरार्की का मिडिल स्ट्राटा है वह मैक्सिमम पेजेंट्स है। यह तो गलत है। पेजेंट्स रिप्रेजेंट लिटिल ट्रेडिशन, करेक्ट है। द पेजेंट्स आर डिपेंडेंट्स ऑन लैंड फॉर द मेन स्टे ऑफ देयर लाइवलीहुड, यस ऑप्शन डी। Though the peasants are dependent on land for the mainstay of their livelihood, they resort to several other activities for their livelihood security. Yeh bhi correct hai. Question number 58. Which of the social movements in rural India can be termed as an example of old social movements? Take your time. India means सबसे पुरानी सोशल मूवमेंट किसको माना जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेजेंट मूवमेंट।
किसानों की जो आंदोलन है वो सबसे पुराना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 60 भी रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 61 मैच द लिस्ट, टेक योर टाइम। यहाँ पे ऑथर्स और उनके यहाँ पे बुक दिए हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मैकिल मेरियट, विलेज इंडिया, एम एन श्रीनिवास, इंडियाज विलेज, बी आर चौहान, राजस्थान विलेज, एस सी दुबे, इंडियन विलेज। यहाँ पे भी लिस्ट को मैच करना है आपको, बट ये क्वेश्चन गलत है। फिर भी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं यह ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन तो सही है बट ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं एम एन श्रीनिवास ने कौन सा बुक लिखा है, डोमिनेंट कास्ट एंड ऑल द रेस से, यह बुक एम एन श्रीनिवास ने लिखा है। बी आर चौहान, बी आर अम्बेडकर, इन्होंने कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यह बुक लिखा है। जी एस गोरे ने कौन सा बुक लिखा है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, एंड डी पी मुखर्जी ने डाइवर्सिटीज। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे भी लिस्ट को आपको मैच करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे थिंकर्स है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोशल इवोल्यूशन किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। पॉजिटिविज्म किसने दिया है, ऑगस्ट कॉम्प्टन ने दिया है। मोड ऑफ प्रोडक्शन, कार्ल मार्क्स। कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, विलियम ऑकबर्न ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 64, यह क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, हु डिफाइंड पेजेंट्स एज स्मॉल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हु विद द हेल्प ऑफ सिंपल इक्विपमेंट एंड द लेबर ऑफ देयर फैमिलीज प्रोड्यूस मोस्टली फॉर देयर ओन कंजम्पशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू होल्डर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज टी शैनिन। क्वेश्चन नंबर 66, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंक्रीज इन स्लम पॉपुलेशन डिपिक्ट्स। टेक योर टाइम। यहाँ पे इन्होंने जिन लोगों ने ऑप्शन ए और जिन लोगों ने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है, दोनों में से एक, तो दोनों भी यह करेक्ट माना गया था उस टाइम पे। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंक्रीज इन स्लम पॉपुलेशन डिबिट्स, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्लम पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या दर्शाता है, एन एक्सटेंशन ऑफ रूरल पॉवर्टी, या रूरल पॉवर्टी का एक्सटेंशन करेक्ट है, यह भी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, यह भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट ए पुश फैक्टर, पुश फैक्टर कौन सा नहीं है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के लिए, तो इंक्रीजिंग प्रैक्टिसेस ऑफ डाउरी इन रूरल एरियाज, यह पुश फैक्टर नहीं है, क्योंकि डाउरी का प्रैक्टिस अर्बन एरियाज में भी बहुत ही ज़्यादा है, तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इसका पुश फैक्टर है, करेक्ट है। रूरल पावर्टी है, रूरल पावर्टी इसलिए लोग तो अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री रूरल एरिया में डिक्लाइन हुई है, इसकी वजह से लोग वहाँ से जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, यह पुश फैक्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 68, इथनिसिटी इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू। टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज इनहेरिटेड सोशो कल्चरल एट्रीब्यूट्स, इथनिसिटी क्या है, इनहेरिटेड सोशो कल्चरल एट्रीब्यूट्स है। क्वेश्चन नंबर
69. Which one of the following is not a feature of informal sector? Informal sector का इनमें से कौन सा feature नहीं है? Take your time. Absence of effective legal protection. Correct है यह. Absence of employment security. यह भी correct है. Absence of effective trade unionism. यह भी correct है. A, B, C. These are the factors of informal sector, these are the features of informal sector, but absence of gender segregation, here informal sector ka feature nahi hai. Question number 70, bonded labor is A. Take your time. The correct answer is option D. Bonded labor is A. Product of rural poverty, illiteracy and hegemony of upper caste over the lower caste. Question number 71. The juvenile delinquents in India belong to the age group of, take your time. The correct answer is option C. India mein juvenile delinquent kisko mana jata hai? Jo 18 साल के नीचे है. क्वेश्चन नंबर 72. द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज. शेड्यूल ट्राइब की जो लैंड होल्डिंग है एवरेज, वह हायर देन शेड्यूल कास्ट है, लोअर देन द शेड्यूल कास्ट, सिमिलर टू दोज ऑफ द शेड्यूल कास्ट, हायर देन द other backward classes. Take your time. The correct option is option D, higher than the other backward classes. Question number 73. The social development strategy aims to ensure that, the correct answer is option C, each section of society is recognized as a resource who need to be benefited from economic development to ensure that their educational, employment, health, other basic necessities of lives are fulfilled and opportunities be provided for the realization of their full potential. Question number 74. In the wake of globalization, Indian economy has, take your time, the correct answer is opened up to economic neoliberalism. And last question, question number 75. Gary Slapper and Steve Stone have studied. Correct answer is corporate crime. Corporate crime, some criminologists have referred to corporate crime to be described the type of offense which are committed by large corporation in society. Society mein jo large corporation hai, business or industrial group hai, उनके द्वारा जो क्राइम हुआ है उसे कॉर्पोरेट क्राइम कहते हैं. पोल्यूशन, मिसलेबलिंग एंड वायोलेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन अफेक्ट मच लार्जर नंबर ऑफ पीपल देन डज पिटी क्रिमिनैलिटी. पोल्यूशन और मिसलेबलिंग एंड वायोलेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन जो इंडस्ट्रीज की ओर से होते हैं तो उसकी वजह से लाखों लोग पीड़ित हो जाते हैं, उसका अफेक्ट लाखों लोगों के ऊपर हो जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज शेयर, कॉमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स.